हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सिमरजीत कौर इन फ्रंट ऑफ यू फ्रॉम सीवर एजुकेयर इंस्टीट्यूट डेलो। स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत सारे बच्चे ने नोटबुक्स चेक की हैं, ये इदा पता लगे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिसटेक करते हैं राइटिंग दे विच। अगर आप उन्होंने कह दें कि तुम कनैक्टर्स यूज़ करो, अननेसैसरी कनैक्टर्स यूज़ करते हैं, दो कनैक्टर लाते हैं अपनी मर्जी न, टीचर्स इस चीज़ से फोकस करते हैं कि तुम ज़्यादा तो ज़्यादा वोकैब आओ। वोकैब के जिस वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है, उत्थे पर्टिकुलर है लगना ही नहीं है, वो अननेसैसरी लाते हैं उत्थे कि नहीं साड़ी राइटिंग दे विच वोकैब पैनी चाहिए है। ठीक है जी, वो बहुत सारिया गलतियां करते हैं, जिदा ग्रामर दी गलतियां सब तो ज़्यादा स्टूडेंट्स में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है, टाइम नहीं अपना मैनेज करते और बहुत सारिया ग्रामर दी गलतियां करते हैं, अपनी प्रूफ रीडिंग नहीं करते। हुण मैं तुहानू दस दिया कि चार चीज़ा ने जिन्हां दे नाल तुहानू राइटिंग टास्क 1 दे विचों, राइटिंग टास्क 2 दे विचों बैंड स्कोर आउंदे। वह चार चीज़ें हैगियां ने जी, TR जो तुहाडा टास्क रिस्पोंस हुंदा है। टास्क रिस्पोंस मतलब कि भी तुहानू स्टेटमेंट की मिली है, की क्वेश्चन की किया आ तुहानू स्टेटमेंट ने, वह तुहानू पुछ रहा है एग्री और डिसएग्री, पॉजिटिव डेवलपमेंट और नैगेटिव डेवलपमेंट, जो भी तुहानू चीज़ां पुछ रहे हैं कि तुसीं बोथ व्यूज देने ने जां फिर तुसीं किसी एक चीज़ से फोकस करना है, किहड़ी चीज़ आउटवे करदी है एडवेंटेज ने डिसएडवेंटेज ने, उहदे विच अगर वह तुहानू पुछ रहा कि तुसीं बोथ व्यू डिस्कस करो, जां फिर तुहानू पुछ रहा कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है जां फिर नैगेटिव है, पॉजिटिव और एंड नैगेटिव, उत्थे तुहानू जो एंड वर्ड है ना वह तुहाडा टास्क रिस्पोंस सही करेगा जां फिर तुहाडा टास्क रिस्पोंस गलत करेगा। बच्चों नूं हुंदा कि उत्थे एंड लगे दो चीज़ां असी नहीं लिखनिया है, असी सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, सिर्फ पॉजिटिव ही है। एंड का मतलब कि तुसी दोनों व्यू लिखने ने, पॉजिटिव भी लिखना या नैगेटिव भी लिखना, तो अपना व्यू देना जो तुहाडा अपना ओपीनियन है। ठीक है जी, और जिथे और आता है तुहानू मैं बार बार ये गल क्लीयर कर रही हूँ कि जिथे तुहानू और आता है कि एग्री और डिसएग्री, उहदे विच तुसी एक साइड लैना है, जां तुसी एग्री करो जां फिर तुसी डिसएग्री करो। ठीक है जी, 50-50 होना है, कई स्टूडेंट्स उहदे विच भी 70-30 करते हैं, उहदे नाल किदां है एग्जामीनर है जो तुहाडा टास्क रिस्पोंस बिल्कुल ही गलत कर दिंदा है। टास्क रिस्पोंस दे विच इदां है कि जो भी तुहानू स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तुहाडा क्वेश्चन है, उहदा तुसी आंसर किस वे नाल दिंदे हो, उह तुहाडा टास्क रिस्पोंस है। उस तो बाद आ जांदी है जी LR, जिहड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हुंदी है राइटिंग टास्क दे विच। ठीक है जी, इहदे विच स्टूडेंट्स की गलतियां करते हैं, LR का मतलब समझते हैं कि वोकैबलरी, मैं इत्थे ये गल मानदी हाँ कि LR का मतलब वोकैबलरी हुंदा आ, लग्जरिकल रिसोर्सिज होंगे ने, कि स्टूडेंट्स की करते हैं बार बार वर्ड्स रिपीट करते हैं। वोकैबलरी अपनी राइटिंग जरूर रखो बट लिमिटेड रखो, जिदी जरूरत है सिर्फ तुम वोकैबलरी लानी है, फालतू वर्ड्स ये यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना कोई आइडिया डिस्कस करते हो लिखते हो, वो ग्रामर दी गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही ने, तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना आता, तो उत्थे वोकैबलरी का कोई मतलब नहीं। तुम बार 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 अपने जो तुहाडे वर्ड्स ने वो रिपीट कर रहे हो, इहदे विच रेपीटिशन जमा भी नहीं होनी चाहिए। वर्ड की तो की तुसीं सेंटेंस रिपीट करते हैं, स्टूडेंट्स ने सेम सेंटेंस उपर लिखा हुंदा है, सेम सेंटेंस तुसीं नीचे लिखते हो, सेम सेंटेंस तुहाडा इंट्रो च हुंदा है, सेम ही तुसीं कंक्लूजन च लिखते हो, वो वालियां चीज़ां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उहदे विचों की ने तुहाडे बैंड स्कोर ने जिहड़े बहुत ज़्यादा घटते हैं। स्टूडेंट नूं हुंदा कि असीं बहुत ज़्यादा वोकैबलरी लिख के आंदी सी एग्जाम दे विच, जां फिर असीं तां बहुत वधिया एग्जाम्पल्स दे के आंदियां सी, उह सारियां चीज़ां आर्टिफिशियल लगदियां ने, क्योंकि उहनां दा कोई राइटिंग च मतलब नहीं है। राइटिंग मंगदी है कि तुसीं एक्सप्लेनेशन किन्नी दिंदे हो किसी चीज़ की, तुहाडा आइडिया किन्ना ज़्यादा वधिया आ। ठीक है जी, उस तो बाद आ जांदी है तुहाडी CC, CC दा मतलब हुंदा कोहेरेंस एंड कोहेजंस। ठीक है जी, इहदे विच की है स्ट्रक्चर, तुहाडी राइटिंग दा स्ट्रक्चर किवें आ, स्ट्रक्चर दा मतलब तुसीं किन्ने BP लिखदे हो, तुहाडी इंट्रो किवें दी आ, तुहाडी तुहाडा कंक्लूजन किवें दा। कई स्टूडेंट की करते हैं जो तुहाडी इंट्रो है ना उहनूं 7-8 लाइन लिखते हैं, जो BP ने 5-6 लाइन लिखते हैं, अगले वाला जो BP है 11-12 लाइनस लिखते हैं, और जो कंक्लूजन है 1 लाइन लिखते हैं। CC दे विच तुहाडी राइटिंग दा जी स्ट्रक्चर चैक हुंदा आ, जो तुहाडी राइटिंग दा स्ट्रक्चर है तुहाडे हाथ च हुंदा है कि तुसीं राइटिंग दे स्ट्रक्चर दे विचों तुहाडे बैंड 9 out of 9 ही आने चाहिए, क्योंकि जी लिखना तुसीं है, तुहानूं पता होना चाहिए तुसीं किद्दां लिखना। ठीक है ना, ये चीज़ दे विचों कदे भी नंबर नहीं अपने घटने चाहिए, बट स्टूडेंट्स बहुत सारिया मिसटेक्स करते हैं इस चीज़ के। TR के उन्होंने क्वेश्चन समझ नहीं आता, एंड लिखा है और लिखा है, बोथ व्यू लिखे ने, उतों तुम अपना टास्क रिस्पोंस गलत करते हो। LR के वोकैबलरी वो पाने जिंकी जरूरत नहीं होंगी, अगर जिनी मर्जी वोकैबलरी पाई अगर सूटेबल नहीं हैगी तो उन्होंने नहीं लानी, तो जोड़े वर्ड ने रिपीट हुए हुए ने नहीं चके जाने। ठीक है जी, वो कि नैगेटिव इंपैक्ट पैंता बहुत ज़्यादा तुहाडी राइटिंग से। उस तो बाद CC आती है जिदा टास्क, तुम अपना जो भी टास्क लिखना, तो टास्क का स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ आँदी है जी, बिल्कुल भी सही नहीं करते, अपनी मर्जी जो चीज़ें लाइनियाँ
जो ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸੀਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਆਰ ਸਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ GRA। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕੂਰੇਸੀ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟਸ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਕਨੈਕਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। 2-2 ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਕਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਲ ਦੋ ਜੈਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਲ ਦੋ ਜੈਟ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਨੇ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਲਓ, 2 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਬਟ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬੁਕੈਬ ਪਾਓ। ਅਗਰ ਬੁਕੈਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰੋ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆਗੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ ਉਹ 4 and 4.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ, 8.5 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ, 7 ਬੈਂਡਸ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, TR, LR, CC, GR, ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 out of 9 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।